फिर से हम आए हैं नए प्लेस पर। एक्चुअली ये नर्सरी बन रहा है गाइस इस टाइम को। इस जगह एकदम प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, अलग अलग प्लांट्स दिख रहे होंगे पीछे। ये नर्सरी प्लेस बन रहा है, हम इधर आके वीडियो बना रहे हैं। हम लाए इस बार अपना फेवरेट कंपनी की तरफ से आने वाला यूनिबिक यम्मी स्ट्रॉबेरी बिस्किट ने गाइस वेफर्स। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा यूनिबिक एकदम क्या ब्रांडेड, एकदम कितने बढ़िया वेफर्स बनाते हैं वो लोग, बिस्किट भी एकदम बढ़िया बनाते हैं। तो आज हम लाए वेफर्स, उनके वेफर के ये सेकंड टॉप सेलिंग कलेक्शन में आते हैं इनके बिस्किट। और ये इनका फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी। ये पता है ना आपको कहाँ बनता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं यूनिबिक, ठीक है। फिर भी बताया जाता गाइस, इनके मैन्युफैक्चर ये है कर्नाटक बैंगलोर रामनगर में। तो इसको प्राइसिंग बताते हैं, इसका प्राइसिंग है ये इतना पैकेजिंग, इतना बड़ा पैकेजिंग है गाइस, ठीक है। ये होगा 50 रुपीज मिनिमम, नहीं गाइस ये 60 रुपीज का, 10 रुपीज एक्स्ट्रा गाइस, ठीक है। तो अभी जान लेते हैं इसका न्यूट्रिशन कंटेंट अनबॉक्सिंग करने से पहले। इसमें आपको मिलता है एनर्जी 535 ग्राम, प्रोटीन मिलेगा आपको इसमें 3.7, टोटल फैट मिलेगा आपको इसमें 28, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली दिख नहीं रहेगा इसमें, एक्चुअली इसमें मिल गए गाइस कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे आपको 65। तो इसको अनरैप करके देखते हैं अंदर से कैसे क्या हमारे वेफर्स। बहुत टाइट सील पैकेजिंग हुआ है, इसमें खुल ही नहीं रहेगा इसे। पैकेट के अंदर तो फिर से मुझे एक कार्डबोर्ड का एक पैकेटिंग मिला इसमें, ठीक है। एक तो ये है पैकेट, शायद इसके अंदर भी पैकेजिंग होगा, देख लेते अंदर, देखते हैं फिर। जो मैं सोचा वही निकला, पैकेजिंग 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 पैकेजिंग, शायद फिर से इसके अंदर एक पैकेजिंग होगा गाइस। और ये पैकेजिंग है ना गाइस, क्या प्रीमियम है गाइस, एकदम गोल्डन कलर का, इसमें लिखा हुआ है यूनिबिक, यूनिबिक लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो इसको खोल के देख लेते हैं अंदर से, देखते हैं शायद फिर से इसके अंदर पैकेजिंग होगा। तो इसको खोल के देखते हैं अंदर से, खुल गया गाइस, एक शॉट में खुल गया। तो ऐसे दिखते हैं हमारे अंदर से वेफर्स। तो इसमें आपको मिलते हैं टोटल 5 पीसेस, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इसके अंदर भी ऐसे ही पैकेजिंग आता है, सेम पैकेजिंग है। तो 5, 5, 10 हो गए, इसमें 10 पीस मिलते हैं आपको अंदर। एक अंदर रख देते हैं, फर्स्ट इसका बता दें, सेम है गाइस। क्या एकदम बढ़िया से स्टिक मिलते हैं आपको वेफर्स के। इसके अंदर क्या एकदम नीट से लेयर से क्या इसमें स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर भरे हुए हैं। अब इसको फर्स्ट स्मेल लेके देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो स्मेल तो ज्यादातर ऐसा क्या बबल गम जैसा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर रहता है ना, वैसा आ रहा है। अभी टेस्ट करके देखते हैं बबल गम रहता है क्या स्ट्रॉबेरी रहता है। जो एक्चुअली इसका फ्लेवर है ना वेफर के साथ, ये उसका ऊपर ये वेफर है ना, वो थोड़ा स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर थोड़ा सा कम कर दे रहा है, पता नहीं क्यों। नॉर्मल जब इसको क्या एकदम बाहर से भी स्ट्रॉबेरी रहेगा ना, और इससे पीछे एकदम स्ट्रॉबेरी, तब उसका फ्लेवर है ना बहुत बढ़िया है। क्योंकि ये थोड़ा क्या कि फ्लेवर कम कर रहा है स्ट्रॉबेरी का, मुझे पता नहीं चल रहा है, पर एकदम खाने में तो एकदम फ्लेवर है, एकदम बढ़िया फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी का, एकदम क्या बबल गम जैसा फ्लेवर आता है इसमें, खाने में भी बढ़िया रहता है। तो अभी काम करते हैं इसका, शायद शुरू करते हैं मेरा एक्सपेरिमेंट। जब पता है ना तो कमेंट कर देना। चलिए शुरू करते हैं मेरा एक्सपेरिमेंट विद वेफर्स। अभी शुरू करते हैं मेरा एक्सपेरिमेंट। इधर से लेते हैं एक ग्लास में पानी। अब एक काम करते हैं, वेफर को लेते हैं, इसका श्रिंक चेक करते हैं पानी में डाल के 5 सेकंड के लिए, क्योंकि ये वेफर है ना थिन बिस्किट है, टूट जाएगा पता है मुझे। 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट 5। थोड़ा सॉफ्ट तो हो ही गया गाइस, अभी टूटा नहीं है पर सॉफ्ट तो हो ही गया। तो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कोई डिफरेंस आया कि नहीं करके गाइस। मैं बोलता हूँ गाइस, ये वेफर को नॉर्मली खाइए, इसको मैं पानी में डालने के बाद बिल्कुल नहीं, क्या हो गया एकदम अजीब सा, एकदम कड़वा टाइप का फ्लेवर आने लग गया इसमें से। जो स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर है वो तो फुल न्यूट्रल हो गया,
सब न्यूट्रल हो गया, वो कड़वापन क्यों आ रहा है पता नहीं चल रहा है। इसके पानी के साथ तो मत लीजिए, पर नॉर्मली खाइए, एकदम बढ़िया फ्लेवर लगेगा इसमें और खाने को भी मस्त रहेगा ड्राई। तो फ्रेंड्स मैंने अभी वेफर टेस्ट कर चुका हूँ, एकदम बढ़िया सा फ्लेवर आ रहा है, स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर एकदम बढ़िया फ्लेवर है। ठीक है, मैं बोलता हूँ इसको लाइए अपने नजदीक शॉपिंग मार्ट में, मिल गया तो लाइए, रिकमेंड करता हूँ इसको टेस्ट कीजिए, एकदम क्या फ्लेवर आता है स्ट्रॉबेरी का। इसका एक एकदम बढ़िया टॉप नंबर वन इसका फ्लेवर आता है ऑरेंज फ्लेवर, उसको तो मैं ट्राई कर चुका हूँ गाइस। इस बार मैं लाया हूँ सेकंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आता है गाइस, एकदम बढ़िया, ये भी बढ़िया है, वो ऑरेंज वाला तो एकदम मेरा फेवरेट है, ये भी अच्छा ही है। स्ट्रॉबेरी जिनको स्ट्रॉबेरी खाना पसंद है ये लाइए, वेफर एकदम बढ़िया रहता है। स्कूल में जाते जाते बच्चों को बोलता हूँ, ये एक्चुअली ये पैकेट है ना, ये तो पैकेट है, उनको दे दीजिए, एकदम बढ़िया सा रहेगा, थिन लाइट, ऐसा कुछ नहीं ज्यादा हेवी बिस्किट है, ऐसा कुछ नहीं, लाइट सा बिस्किट है, खाने में मजा रहेगा। ठीक है, फर्स्ट इसको तो पानी के साथ तो मत लीजिएगा, इस फर्स्ट तो बोल देते पानी के साथ नहीं, नॉर्मली लीजिए, एकदम बढ़िया सा लगेगा। ठीक है, तो हमारा वीडियो खत्म होना रहा है, तो वीडियो को जितना चाहे शेयर कीजिए, हमारे चैनल बिस्किट बॉक्स को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे जो भी नए व्यूअर्स आए देख के जाना हमारे चैनल, सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को, ठीक है, द बिस्किट बॉक्स। ठीक है, तो हम वीडियो को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स के लिए, कर देना गाइस। इतना अच्छा नेचर का प्लेस है, नर्सरी के पास आए हम, ये नर्सरी बाद में देखोगे आप जब आओगे इधर, नए बन जाएगा ये नर्सरी। ठीक है, देख के जाना मेरा वीडियो जो बना अभी वेफर्स यूनिबिक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पर रुक जाइए गाइस, जो मैंने बनाया अभी यूनिबिक का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वेफर्स शार्प मॉर्निंग 8 o'clock आ जाएगा, देख के जाना यूट्यूब पर। ठीक है फ्रेंड्स, हम आए हुए हैं कावेरी नदी के पास, ये टेम्पल है, ये टेम्पल आप गेस करिए हमारे कमेंट बॉक्स में, बताइए कौन सा टेम्पल रहेगा। ठीक है, सो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे वैसे टेम्पल के साथ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग फ्रॉम बिस्क्यूट बॉक्स। अब मैंने टेस्ट कर चुका हूँ यूनिबिक आने वाले में।